हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं इंडियन पॉलिटी में क्या इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल नो कि जो सेंट्रल कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन होने जा रहा है आज, और न्यूज़पेपर में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ क्रिएटिंग अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। अखबार में कॉपरेशन लिखा है, माइट बी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो सहकारिता मामलों की एक मंत्रालय बनने जा रहा है, एक नया मंत्रालय बनने जा रहा है। तो एक जिज्ञासा सी जागने लगती है कि ये मंत्रिमंडल क्या होता है, ये मंत्रालय कैसे बनता है। तो आज चलिए इस इशू के माध्यम से लेट अस अंडरस्टैंड कि ये मंत्रिमंडल क्या होता है और कैसे बनता है एक नया मंत्रालय, कैसे गवर्नमेंट क्रिएट करती है नया मंत्रालय। तो चलिए, हिंदू हैज़ रिपोर्टेड द मोदी गवर्नमेंट क्रिएट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग कॉपरेटिव मूवमेंट। जो सहकारिता मूवमेंट होता है, ये सहकारिता मूवमेंट क्या होता है, कॉपरेटिव्स क्या होता है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हमारा मकसद कॉपरेटिव मूवमेंट जानना नहीं है, हमारा ये मतलब जानना है कि ये सरकार कैसे काम करती है, मंत्रिमंडल कैसे विस्तार होता है और किस तरीके से नया मंत्रालय बनाया जाता है। लेट अस गो इन टू दिस टुडे। तो आज देखते हैं कैसे होता है। सो आज ये शाम तक हो जाएगा। वी नो पॉलिटी में आपको टीचर्स ने आपके बताया है कि गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। अब केंद्रीय कार्यपालिका में होता कौन है, लेट अस सी हु इज देयर इन केंद्रीय कार्यपालिका। देखिए, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साथ होता है मंत्रिमंडल कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनके साथ फिर काम करती है ब्यूरोक्रेसी। ये कहलाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये हमेशा ही रहेंगे, ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन दर इलेक्शन चेंज होती रहती है। तो जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अलॉन्ग विथ ब्यूरोक्रेसी। अब कैसे काम करती है सरकार, शॉर्ट में समझते हैं मंत्रिमंडल कैसे विस्तार होगा और कैसे वो नया मंत्रालय बनेगा। तो देखिए, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 53। जब मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं तो आपकी नॉलेज विस्तार की बात करता हूं, आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लिंक जोड़ पाएंगे, कनेक्टिविटी कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक बेस्ड कर पाएंगे। आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज इट डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम। ये वो आधार है, ये वो बेसिस है जिससे आप पॉलिटी को समझेंगे। तो आर्टिकल 53 ने ये कॉन्स्टिट्यूशनली वेस्ट कर दिया, दे दिया कि केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर दी जाती है किसको, राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति ही एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्चुअल हेड कौन है, तो आप बोलेंगे इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्सरसाइज इट आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम। या तो खुद उसका वहन करेंगे या फिर वो उनके जो नीचे ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू से करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनली राष्ट्रपति के नाम पर एक्सरसाइज होगी,
दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो इसी यही से निकलेगा कि नया मंत्रिमंडल कैसे बनेगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि आर्टिकल 54 ने हमको बता 53 ने हमको बता दिया कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में है, प्रधानमंत्री में नहीं है, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति में है। ये आर्टिकल 53 ने कह दिया। आगे देखिए, आर्टिकल 74 सेज दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आर्टिकल 74 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करता है, आर्टिकल 653 में बताया कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, 74 ने बोला कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद संविधान में बोला गया है, हेडेड बाय पीएम, इस मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होंगे यहाँ लिखा हुआ है। और ये होगा क्यों? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एग्जीक्यूट करेंगे आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, और यहाँ पर उनको एडवाइस देने के लिए हो जाएगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हुआ करेगा एक मंत्रिमंडल, होगा एक मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की एडवाइस पे राष्ट्रपति काम करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति में है, तो इसका मतलब 74 को मिला के 53 काम करेगा कि हाँ राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव पावर उनको दी तो जाती है, बट वो उसका वहन करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर, उनकी एडवाइस पे करेंगे। जो वो एडवाइस देगी उसी एडवाइस को वो मानेंगे, उनके नाम पे तो होगी बट उसको एडवाइस देगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति इज बाउंड टू गवर्न टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी आर्टिकल में 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक चेंज कर दिया था, जिसमें लिख दिया था कि जो भी एडवाइस राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भेजेगा वो राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकते हैं, उसके बाद अगर वो सेम एडवाइस मंत्रिमंडल वापस भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे मानना जरूरी हो जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली वॉट एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति हैज टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एडवाइस। अगर ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के नाम पर सारी पावर्स इस्तेमाल होती हैं लेकिन उनका फैसला करता है मंत्रिमंडल, सच ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेंस इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 53 ने बताया एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के नाम पर होगी लेकिन एडवाइस दी जाएगी बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। अब होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहां पर एक आर्टिकल और आ जाता है, आर्टिकल से घबराइएगा नहीं, कनेक्टिविटी बनाइएगा। आर्टिकल 75, द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। देखिए आर्टिकल 75, अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है ये तो होगा मंत्रिपरिषद होगा, अब मंत्रिपरिषद के हेड पीएम है, मंत्रिपरिषद के मेंबर्स मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो अब इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। द पीएम इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में पीएम अपॉइंट किए जाते हैं। और फर्दर लिखा है जो मंत्रिमंडल के और मेंबर्स हैं अदर मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हुम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल प्राइम मिनिस्टर। मतलब मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इसकी एडवाइस राष्ट्रपति को कौन देंगे, प्रधानमंत्री देंगे। इसका मतलब आज जो नए मंत्री जिनको शपथ दिलाई जाएगी अपॉइंट किए जाएंगे वो फॉर्मली आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यूजिंग आर्टिकल 75 क्लॉज 1 एंड प्राइम मिनिस्टर हैज एडवाइज्ड हिम कि इन इन लोगों को आप मंत्री
बना दीजिए, तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे और अपॉइंट कर देंगे फॉर्मली अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कि ये मंत्री हुआ करते हैं। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑल द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब 53 आर्टिकल कहता है यूनियन की सारी पावर राष्ट्रपति में निहित है जब वो अपने ऑफिसर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे और मंत्रिमंडल की एडवाइस पे काम करेंगे और मंत्रिमंडल को वही अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब भारत सरकार के नॉमिनल हेड राष्ट्रपति हैं, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर हैं जो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो जहां पर सरकार के एडवाइस पे राष्ट्रपति काम करते हैं उसे कहते हैं संसदीय प्रणाली। इंडिया फॉलो करती है संसदीय प्रणाली। तो ये तो हो गया एक छोटा सा स्ट्रक्चर की सरकार कैसे अपॉइंट होती है, कैसे काम करती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और देखते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी चीज और देखते हैं विच विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। देयर इज Council of Ministers comprises three types of ministers: ministers of cabinet rank, ministers of state, and deputy minister. जब मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो जब संविधान में तो Council of Ministers लिखा हुआ है, कैबिनेट वगैरह नहीं लिखा हुआ है। When we talk of Council of Ministers, we talk of three types of ministers. The highest rank ministers are called cabinet mantri. उससे नीचे के कहलाते हैं राज्य मंत्री और छोटे मंत्री डिप्टी मिनिस्टर कहलाते हैं। All important portfolios are headed by ministers of cabinet rank. जब भी हम कहते हैं कैबिनेट ने फैसला लिया है, इसका मतलब कैबिनेट लेवल के मंत्री ही उसमें शामिल होते हैं, भारत की कैबिनेट। अब ये बॉडी विद इन बॉडी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट कैबिनेट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सिस्टम इंग्लैंड का हम फॉलो करते हैं। कैबिनेट मंत्री हुआ करेंगे, संविधान में मेंशन नहीं है। तो कैबिनेट इज द कोर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल डिसीजंस आर एक्चुअली टेकन बाई द कैबिनेट ऑफ इंडिया। द बॉडी विच सिट्स एंड टेक्स डिसीजंस इज कैबिनेट, नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मंत्री परिषद जो है ये एक पूरी बॉडी बैठ के फैसले नहीं करती है। जो फैसले करती है वो होती है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री हाईएस्ट लेवल के मंत्री होते हैं। अब इनके अंडर में राज्य मंत्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और अनुराग ठाकुर उनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, उनके डिप्टी हैं, उनको रिपोर्ट करेंगे। और हो सकता है असिस्ट करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो मंत्रिमंडल की जब भी बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे अखबार में ये लिखा है कि अनुराग ठाकुर जो राज्य मंत्री थे, अब शायद वो उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा या कोई और मंत्री मंत्रालय दे दिया जाएगा। मतलब रीशफलिंग होती है। तो जो भी रीशफलिंग होगी उसमें ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये शॉर्ट में होता है इस तरीके से। प्रधानमंत्री एडवाइस देंगे, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे उस मंत्री को अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 एज आई हैव टोल्ड यू। तो ये मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर होता है। नॉट एवरीबॉडी बिकम्स कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर हाई रैंक के मंत्री होते हैं। ये भी रैंक है, इसका किसी राज्य विशेष से मतलब नहीं है कि राज्य से आया है। ये एक इंग्लैंड में रैंक होती थी, उसे फॉलो करते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर एक मंत्री मंत्रालय में तीनों भी हो सकते हैं, या सिर्फ मंत्री मंत्रालय में सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो, ये ना भी हो। कभी कभी हम देखते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इंडिपेंडेंट चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये छोटा मंत्रालय है, इसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होता, राज्य मंत्री स्वतंत्र कारभार ही इसका हेड हो जाता है। तो कई बार ऐसे मंत्रालय भी होते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं रखते हैं, छोटा मंत्रालय है, राज्य मंत्री को ही इसका स्वतंत्र कारभार दे दो, ये सीधे पीएम को रिपोर्ट करेगा। सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली रिपोर्ट टू हेड। हु इज हेड ऑफ सीएम? हेड ऑफ द सीएम इज प्राइम मिनिस्टर। एंड पीएम एडवाइजेज राष्ट्रपति की भारत सरकार ये एक्शन लेने जा रही है, आप इसको ओके कर दीजिए, तो भारत सरकार का एक्शन हो जाएगा। ये तो एक मोटे मोटे तौर पे बात हो गई। अब आता है कि भारत सरकार काम कैसे करती है। तो भारत सरकार बन गई, काम कैसे करती है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका इस्तेमाल आज होगा, आर्टिकल 77, 74 का भी इस्तेमाल आज होगा, 71 का इस्तेमाल भी आज होगा,
और एक और है आर्टिकल 77। 77 आर्टिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कैसे काम करती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 53 में इस्तेमाल हुआ है, यूनियन केंद्र, यहाँ भारत सरकार की बात हुई है। तो भारत सरकार के जितने एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं दे आर शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए हुए माने जाएंगे। शैल बी टेकन टू बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब राष्ट्रपति के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम करती है। अब राष्ट्रपति के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम करती है तो रोज तो राष्ट्रपति को बता नहीं सकती है कि ये काम करना है, काम तो बहुत सारे होते हैं। उसके लिए ये आर्टिकल राष्ट्रपति को नियम बनाने की परमिशन देता है। क्लॉज 3 में आ जाइए, क्लॉज 3 कहता है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। 77 क्लॉज 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे लिए हुए माने जाएंगे और राष्ट्रपति इस भारत सरकार के काम के लिए नियम बनाएंगे ताकि गवर्नमेंट की जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है वो ठीक से हो जाए और जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, मंत्रियों को जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस दी जानी है ये ठीक से हो जाए। इसलिए 77 क्लॉज 3 में राष्ट्रपति बनाते हैं बहुत सारे रूल्स, इन्हीं रूल्स के तहत वो एलोकेटेड होता है, लिखा होता है कि किस अफसर को क्या काम करना है। सेक्रेटरी लेवल के अफसर को ये काम करना है, जॉइंट सेक्रेटरी ये करेगा, एडिशनल सेक्रेटरी ये करेगा, एसओ ये करेगा, इस तरीके से ये रूल्स बना दिए जाते हैं। रूल्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर्स एंड द इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रेसिडेंट, जितने रूल्स होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे बने हुए माने जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर रूल्स बन जाते हैं, इन्हीं रूल्स में फिर भारत सरकार को काम एलोकेट किया जाता है एज पर क्लॉज 3। अब राष्ट्रपति ने 77 क्लॉज 3 में वो रूल्स बना दिए। अब वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स ये हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ये वो रूल्स हैं जो आज इस्तेमाल शाम को हो जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, ये आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में जो परमिशन मिली है राष्ट्रपति को कि आप रूल्स बना दीजिए, वो रूल्स राष्ट्रपति ने बना दिए, उन रूल्स में काम होता रहता है। एज पर दो रूल्स द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अंडर द रूल्स, इस आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में रूल्स बने हैं, उन रूल्स में लिखा हुआ है जब भी कोई नया मंत्रालय बनाना होगा, डिपार्टमेंट बनाना होगा, तो राष्ट्रपति के नाम पे ही बनेगा, है ना, क्योंकि संविधान कहता है राष्ट्रपति के नाम पे बिजनेस कंडक्ट की जाएगी, तो राष्ट्रपति के नाम पे ही राष्ट्रपति ही डिपार्टमेंट, मतलब सरकार जो मंत्रिमंडल है किसका मंत्रिमंडल है, सरकार राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है, तो राष्ट्रपति को अगर नया मंत्री चाहिए है तो राष्ट्रपति एक नया मंत्रालय क्रिएट कराएंगे, लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है भारत में, इसलिए राष्ट्रपति को एडवाइस कौन देंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाना चाहते हैं, उसके ये हम ये करना चाहते हैं, तो आप इसको स्वीकृति दीजिए, इस तरीके से एक नया मंत्रालय बन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स। हैंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 विच आर फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 77 क्लॉज 3, राष्ट्रपति हैज अलाउड, यस यू कैन क्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स अंडर द रूल्स, राष्ट्रपति ने क्रिएट कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी, इस तरीके से ये मंत्रालय क्रिएट हो जाएगा और काम करने लगेगा। एक मंत्री को 75 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसी तरीके से द गवर्नमेंट आर्ट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट आर ट्रांजेक्टेड इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट ऑफिस एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन द रूल्स, इसी तरीके से ये सारे के सारे जितने डिपार्टमेंट वगैरह हैं इन्हीं रूल्स के तहत काम करते हैं, रूल्स बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से रूल होते हैं, रूल्स के तहत गवर्नमेंट काम करती है और ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये इन रूल्स को फॉलो करते हैं जो राष्ट्रपति के नाम पे बने हुए, राष्ट्रपति को पता भी नहीं है डेली बेसिस पे उनके नाम पे कितने रूल्स इस्तेमाल होकर काम हो जाता है, बट उन्होंने आर्टिकल 77 के तहत वो आज्ञा दे दी है रूल्स बनाकर कि इस तरीके से आप ये काम करते चले जाइए। सरकार की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी अंडर आर्टिकल 77 क्लॉज 3 एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस 61 ए न्यू मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स हैज बीन क्रिएटेड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके से ये सारे का सारा सिस्टम चलता है।
तो आज इस छोटे से इशू के माध्यम से मैंने आपको कुछ बात बताने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत सरकार काम करती है, शॉर्ट में कैसे काम करती है। अब भारत सरकार ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे काम करती है, मंत्रालय होता है, फिर उसमें डिविजन्स होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी होता है, ये ब्यूरोक्रेसी वाला पार्ट हम फिर किसी और वीडियो में ले लेंगे। आज जो बताना चाहता हूँ वो ये कि नया मंत्रिमंडल कुछ इस तरीके से, नया मंत्रालय कुछ ऐसे बनाया जाता है, और हर मंत्री को शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति। एवरी मिनिस्टर इज गिवन ओथ बाय द प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ओथ ले लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। क्लियर, दिस इज अबाउट द टुडेज वीडियो। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मंत्रिमंडल का जो संख्या है वो 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है, तो 543 का 15% लगभग 81 होता है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब लगभग 80-81 मंत्री मैक्सिमम हो सकते हैं, और अभी मंत्रिमंडल में गुंजाइश है तो और मंत्री भी इंडक्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है एज पर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसमें मंत्रिमंडल की साइज पर भी एक संविधान ने रोक लगा दी है। तो दिस इज समथिंग अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको कुछ और बातें पता लगी होंगी आज। आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो मुझको ज़रूर बताइए कैसे आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो मुझको ज़रूर बताइए कि मैं कैसे इसे इम्प्रूव करूँ। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपकी मदद के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता है चैनल। आई इंटेंड टू डू अ लॉट थ्रू दिस चैनल। So thanks a lot for watching this video.